क्या? प्रिय स्वामी, स्वामी मैंने मैंने एक शिशु की आकृति देखी, जैसे वो मेरे साथ लुक्का छुपी खेल रहा हो। फिर मैंने उसे चित्रित करना प्रारंभ किया, उससे एक प्रकाश निकला और ये प्रकाश जीवन का ही तो प्रतीक है। वो प्रकाश जो आपके चित्र से निकला, वो आपकी इच्छाओं का ही साकार रूप था, जो आपको अपनी एक छोटी सी झलक दिखला गया। जैसे आप उसे पाना चाहती हैं, वैसे ही वो भी आपके पास आने के लिए व्याकुल है। आपको स्मरण है ना, मैंने आपको एक और पुत्र का वरदान दिया था। जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। आपकी कामना ने आकार लेकर आपको अपना आभास कराया है। ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव सर्वं खलिलं ब्रह्मासि। संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। चिंता त्यागिए, आपकी ये बिगड़ी विकृति भी निकट भविष्य में आपकी इच्छा पूर्ति का ही शुभ संकेत है। स्वामी, मेरी इच्छा पूर्ण होगी? ये कैसे संभव है? देवताओं को दिए आपके वचन का क्या होगा? हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान, कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। हमें कैसे प्राप्त होगा हमारा पुत्र? ओ मां, आशा ही जीवन की निराशाओं को दूर कर भविष्य की शुभ संभावनाओं के द्वार खोल देती है। जिस प्रकार हमें कार्तिकेय प्राप्त हुआ, वैसे ही दूसरा पुत्र भी होगा। किंतु उसके लिए आपको कुछ विशेष करना होगा। प्रिय, क्या करना होगा स्वामी? देवताओं को दिए आपके वचन से कैसे मुक्ति मिलेगी? पुण्य व्रत। ये भोलेनाथ का कैसा प्रयास है? संतान की प्राप्ति वो भी पुण्य व्रत से, ये कैसे संभव है? आज तक केवल पूजा से किसी को संतान की प्राप्ति हुई? संभव है देवेश्वरी, आपको पुण्य व्रत कर श्री हरि को प्रसन्न करना होगा। क्योंकि श्री हरि तो निराशा के अतल सागर से भी आशा के मोती चुन लाते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं। किंतु स्वामी, श्री हरि विष्णु तो मेरे भ्राता हैं, मैं उनसे जो मांगूंगी वो सहज ही प्रदान कर देंगे, फिर किसी व्रत की क्या आवश्यकता है? सत्य है, किंतु संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। आपका ये व्रत संपूर्ण सृष्टि के सामने एक उदाहरण होगा। यदि यही आवश्यक है तो मैं पुण्यक व्रत अवश्य करूंगी। किंतु पुण्यक व्रत लंबी अवधि की कठोर साधना से ही संपन्न होता है पार्वती, ये व्रत आपको अकेले ही करना होगा। इतने लंबे समय तक मेरे साथ से वंचित रहने का कष्ट उठा सकेंगी आप?
आपसे दूर रहने का कष्ट तो असहनीय होगा स्वामी, किंतु कुछ समय तक आपसे दूर रहकर जीवन भर अपने पुत्र का साथ तो प्राप्त कर सकूंगी मैं। यदि पुण्य व्रत के लिए ये आवश्यक है तो ये भी सहूंगी मैं। नारायण नारायण इंद्रदेव, नारायण नारायण। माँ पार्वती को करने दीजिए पूजा, आपका संकट है दूजा। शिव शंकर का वचन कभी असत्य हुआ है? मैं भी उन्हीं के दिए वचन के विषय में सोच रहा था देवऋषि। भला भोलेनाथ का दिया वचन असत्य कैसे हो सकता है? किंतु माता पार्वती का भ्रम इससे अवश्य टूटेगा। नारायण नारायण इंद्रदेव, नारायण नारायण इंद्रदेव। उधर देखिए इंद्रदेव, जो वरदान मांगने जा रहा है अपने तप को बनाकर सफल, महासंकट खड़ा हो जाएगा देवताओं के लिए यदि मिल गया उसे वरदान का फल। नारायण नारायण। ये प्रारंभ है मेरे तप का, मैं आपको प्रसन्न करूंगा, आपका कृपा पात्र बनूंगा। देवता भी मुझे त्रिलोक विजेता बनने से न रोक सके,
ऐसा वरदान देने के लिए आपको बाध्य कर दूंगा प्रभु। देवताओं के साथ मिलकर इसकी तपस्या को रोकना ही होगा। जग की जो जननी है पुत्र के लिए, पुण्य व्रत करने संकल्प है लिए, सुख त्याग तैयारी कर रही कठोर, कष्ट बोध भूली भाव से वही विभोर, भूमि पे सोए माँ प्रबंध सब किए, स्वयं लाए नीर फल सुमन हरि लिए, अरुणोदय जाग शुद्धि कर्म में लगी, व्रत है तू श्रृंगार माता कर रही। सखी पार्वती, सनत कुमार पधार चुके हैं। महादेव का वरदान प्राप्त कर हमारे लिए महान संकट का रूप ले लेगा। सूर्यदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव और बलदेव, हमें गजासुर के तप को तोड़ना ही होगा। आपकी चिंता में पल भर में दूर किए देता हूँ देवराज इंद्र, मेरे प्रभाव से तपने लगेगा ये गजासुर। अग्निदेव विफल हुए, किंतु मेरा तेज कभी विफल नहीं होता। मेरे तेज के समक्ष सुरक्षित नहीं रह पाएगा गजासुर। इससे पहले कि गजासुर और भी शक्तिशाली बन हमारी महिमा को छिन्न भिन्न करे, उसके पूर्व हमें अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित कर इस पर पार करना होगा। शिवा, इसके तप को सफल होने से रोकना होगा हमें। शिवा,
कैसे संभव है? देवता होकर भी हम उस गजासुर को उसके तप से टिका नहीं पाए। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती विधिवत रूप से व्रत का आरंभ करने के पश्चात यदि उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होगा तो अनर्थ होगा। आप आश्वस्त रहे ऋषिवर, मैं अभी निर्विघ्न व्रत संपन्न करने का उपाय किए देती हूँ। कैलाश के रक्षक, महादेव के वाहन, सौम्य और बलवान, आइए नंदी। माता, आपने मुझे यहाँ बुलाया। नंदी, मैं तुम्हें अपने व्रत स्थल की रक्षा का दायित्व देती हूँ। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी का से मेरा अर्थ है, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा माता, आप निश्चिंत रहें। आपके व्रत में मैं कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा। यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी बैल बुद्धि इतना स्पष्ट आदेश समझ सकेगी? माता पार्वती, सूर्य देवता उदित हो चुके हैं। दिवस का प्रारंभ हो चुका है। आपके व्रत के आरंभ का शुभ मुहूर्त समीप है। हमें पूजा के लिए अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी का से मेरा अर्थ है, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो रुके ही नहीं, अब माता के पुण्यक व्रत का क्या होगा? मैं शिव शंकर की अर्धांगिनी पार्वती, आज संकल्प लेती हूं कि क्षमा करें माता, नंदी आपको दिए अपने वचन को निभा ना सका। प्रिय,
जिस प्रकार हमें कार्तिकेय प्राप्त हुआ वैसे ही दूसरा पुत्र भी होगा। क्या करना होगा स्वामी? पुण्य व्रत। यदि यही आवश्यक है तो मैं पुण्यक व्रत अवश्य करूंगी। किंतु पुण्यक व्रत कई दिव्य वर्षों की कठोर साधना से संपन्न होता है। ये तो अनर्थ हो गया, भंग हो गया आपका व्रत। आप तो संकल्प मात्र भी पूर्ण नहीं कर सकी, तो लंबी अवधि का व्रत कैसे पूर्ण करेंगी देवी पार्वती? आपने भीतर कैसे प्रवेश किया स्वामी? मैंने तो नंदी को आदेश दिया था कि मेरा व्रत संपन्न होने तक वो किसी को भी यहाँ ना आने दे। नंदी मेरे प्रति निष्ठावान, मेरा वाहन, मुझे कैसे रोक सकता है प्रिय? मेरे विश्वास को खंडित कर दिया नंदी। मैं समझ गई कि स्वामी के समक्ष उसके लिए मेरे आदेश का कोई मूल्य नहीं है। आज मेरे व्रत के आरंभ का शुभ मुहूर्त बीत गया। मेरा व्रत आरंभ होने के पूर्व ही खंडित हो गया। मुझे क्षमा करना प्रिय, भूल हुई। मैं वचन देता हूँ, अब मेरे कारण आपके व्रत में कोई विघ्न नहीं होगा। आरंभ में ही व्रत का खंडित होना, क्या ये इस बात का संकेत है कि मेरे दूसरे पुत्र पाने की कामना कभी पूर्ण नहीं होगी?